हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। डे फोर था हमारा रोड ट्रिप का, तो आज हम पहुंच गए हैं यार किलाड़। तो यार आज हमारा था प्रोग्राम स्पीति जाने का, तो स्पीति का हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि भाई की हमारी तबीयत ठीक नहीं थी यार। अमित की भाई को फीवर था, भाई की हिम्मत है यार, उसने तीन चार दिन बाइक बुखार में ही चलाई है। तो यार आगे ऐसा तो है नहीं, भाई को छोड़ के बीच में चले जाए यार, जाएंगे तो वापस साथ में ही। तो स्पीति का फिर हम नेक्स्ट टाइम कभी बना लेंगे। तो यार रात को हमने क्लिफ हैंगर किया यार, वाकई बहुत डेंजरस है यार। सुपर बाइक तो यार किसी कीमत में इस रोड पे नहीं जा सकती, इतना गंदा रोड, बिल्कुल छोटा सा रोड, एक गाड़ी के साथ एक साइकिल भी नहीं निकल सकती, इतना छोटा रोड, बिल्कुल टोटली ऑफ रोडिंग का भी बाप जिसको कहते हैं ना यार, वो हाल था भाई, जो खतरनाक रूट था यार भाई, कान पकड़ लिए, इसलिए कहते हैं इसको भाई वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड, और वाकई में यार है यार वो। तो यार अभी हम आए हैं अपनी बाइक वॉश कराने, क्योंकि चैन इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, ब्रेक पैड्स में डस्ट चली गई थी, तो यार चैन ख़राब ना हो जाए यार, इसलिए मैंने कहा पहले बाइक वॉश करा लें, चैन क्लीन करा लें, उसको ल्यूब कर लें। यहाँ से आज हम जाएंगे पठानकोट वाया डलहौजी होते हुए, तो भाई आगे के नज़ारे आपको एंजॉय करवाते हैं, पहले करा दें बाइक वॉश। तो गाइस अब चलने की तैयारी है, किलार से जाएंगे अभी हम पहले सच पास से फिर निकलेंगे। कोशिश हमारी यही है कि हम पठानकोट तक पहुंच जाएं, रात का स्टे पठानकोट में करेंगे, बाकी देखते हैं वहां चल के, अभी तक का तो यही प्लान है। तो चलते हैं यार, पहले पेट्रोल फुल करवा लें, यहाँ तो एक पेट्रोल नहीं मिलता, पेट्रोल जो है भाई दो नंबर पर लेना पड़ता है यार, मतलब कि एक्स्ट्रा रेट में मिलता है भाई। इधर पेट्रोल कहाँ मिलेगा? वो भाई गिर गया हमारा अमित भाई। भाई तो बहुत ही ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। क्यों है भाई? ये तो भाई पड़ गया नीचे। बर्फ नीचे ऐसे लग रहा है जैसे रेत पड़ी हो, इतनी काली हो गई यार, ट्रैफिक आएगा जाएगा तो बर्फ तो गंदी होगी होगी ना यार। ये भी बर्फ का ग्लेशियर है पूरा, ये तो ऐसे लग रहा है टनल बनी होती है ना पूरी बर्फ की टनल, देखो। Now we are reached to such pass.
भाई साहब यही है सच पास। बाजी बाजी क्यों भाई सच पास पे मजाक चलना यार। यार ये तो बात है, मजाक तो नहीं है लेकिन सड़क नहीं है भाई पूरे का। सड़क तो है ही नहीं, टोटली 100% ऑफ रोडिंग है भाई। पर मजा है यार, इस चीज का भी अपना मजा है। पर भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड भाई, बुरा हाल हो गया। चाय के शॉट चल रहे हैं, जबरदस्त चाय बनाई भाई ने। भाई तो यहाँ आके फिर ना सच पास में आके चाय पीनी मत भूलना भाई की। तबीयत खुश कर दे चाय पिला भाई। एक बात है, खुशबू इतनी शानदार आ रही है तो मैगी कितनी टेस्टी हुई, खा के देखता हूँ यार। एक जबरदस्त यार भैया, सीर और मैगी। अरे भाई तो भाई सीन बहुत जबरदस्त है, ठंड उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। देख रहे हो ये भाई साहब, ये सिर्फ कैमरे का जोश है। कैमरा बंद होते ना नीचे भी, कैमरा बंद होते ना गोयल साहब अंदर आग के पास बैठे हुए थे, भी बैठे हुए थे ऐसे बोलते सानू लोड नहीं भाई, सानू लोड है। अब लोड है भाई, ठंड बहुत है भाई। ये देख रहे हो बादल सारे नीचे भाई। हाँ भाई जबरदस्त वाला बुरा हाल है। ओके भाई, अब इतनी ढलान है कि बाइक की ब्रेक्स भी नहीं लग रही। ब्रेक लगने के बाद ही बाइक अपने आप नीचे आ रही है। ये सारी बर्फ पिघल रही है, जो बर्फ का पानी है नीचे आ रहा है। ओह वाव यार, ए भाई वाटरफॉल, पानी कितना ठंडा होगा सोचे जिसे नाले का भाई, तो फ्रीज हो जाएगा बिल्कुल, इतना बुरा हाल होगा यहाँ पे। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बादलों से बाहर आ गए हैं यार। भाई बहुत बुरा था, ठंड भी इतनी थी और बादल भाई इतने बादल थे बिल्कुल नीचे नीचे तक, इतने फोग में आपने देखा ही है लास्ट सीन्स में कि कैसे कितना फोग था। और बोला तो जाहिर है आपके सामने से कितनी आवाज़ काम काम के निकलते, बिकॉज खड्डे इतने यार, मैं भी क्या करूं। तो गाइस फाइनली बिल्कुल ठीक रोडों में मिल गई है। और भाई अभी तो हमारे लोडो का खुशी का ठिकाना नहीं था यार, पागल हो गए थे। पता क्यों? कि इंटरनेट चल गया यार, पर मेरा नहीं चढ़ा, सो सैड ऑफ मी। तो गाइस किश्तवाड़ के बाद अब आया ये पेट्रोल पंप किश्त, इसका नाम है, ये जगह है भैया, क्या जगह पड़ती है ये पंप है खुश नगरी में आके, इसके बिटवीन 250-300 किलोमीटर को ही पेट्रोल पहुंच गए हैं। कहां पहुंच गए भाई? लाडू पोचा मार, सॉरी यहां से है चंबा 60-65 किलोमीटर, और ये छोटा सा डब्बा है यहां पे खाना खाने के लिए। पर हम चंबा नहीं जा रहे, हम जा रहे डलहौजी भाई, नाइट स्टे वही करेंगे। अभी थोड़ा सा पहले रुके, 2-3 घंटे का रास्ता है यहाँ से करीब डलहौजी का, तो हमने कहा खाना खा ले भाई, आगे क्या भरोसा खाना मिले ना मिले। तो भाई पापी पेट का सवाल है, खाना तो जरूरी है। पापी पेट कितना बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा, ये पाप कर करके बड़ा हो गया पापी पेट भाई। ये मिलेंगे डलहौजी में, मिलूंगा सिर्फ दिल्ली। भाई गोयल साहब छोड़ के जा रहे इसको भाई, हैशटैग है कि हमको अकेला छोड़ के चला गया, दो बंदों को अकेला छोड़ के चला गया, क्योंकि मेरे को भी किसने कहा था। बानू जोट गोयल, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई, ठीक है भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में भाई दे देना लिंक, लेकिन मैंने दिल्ली जाना है तो मैंने दिल्ली जाना ना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी तक जब हम स्पीति जा रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, अब भाई अब दिल्ली के लिए वापस जा रहे तो भाई को जल्दी हो गई है। भाई मेरे को कल काम है यार, तो कोई बात नहीं भाई, से जितनी गाड़ियां जैसी आती हो ना मैं लिंक में डाल दूंगा, आईडी डिस्क्रिप्शन में, तो भाई गालियां भी लिंक में मिल जाएंगी, सीधा टच करो गाली पहुंच जाएगी। हां ध्यान रखना, अगर भाई चला गया हो तो सोच लेना अगली वीडियो में नहीं दिखेगा मतलब गालियां मिल जाना, अगर दिख गया तो भाई छोड़ देना, तो भाई फॉलो कर लेना फिर। हां फॉलो कर लेना, अब देख लो भाई गोयल साहब, तुम भी देख लो क्या चाहते हो। लगाओ गोयल साहब, क्या लगाऊं? अरे मक्खन यार, भाई तेरे में टिक्की देके गया यार। यार तुम ना मानोगे भैया, ये तो भैया मेरे से सौतेली माँ वाला हिसाब कर दिया, सगे भाइयों को मक्खन लगा दिया, हम तो सौतेली माँ वाले हो गए भाई। तो ये देखो मेरा वेट कम करवा रहा हूं, तो भैया मक्खन में लुटा देंगे, तुम को टेंशन नहीं ना लो। ले भाई, तो भाई रोटी खा ली, रोटी स्वाद थी भाई बिल्कुल देसी, दाल मखनी थी। तो भाई सरीला जगह पड़ती है, बिल्कुल एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से जस्ट पहले ये कोने पे ढाबा, बिल्कुल
वही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, फूड अच्छा टेस्ट अच्छा है। सरीला खाना खाओ भाई। चलो आगे चलते हैं डलहौजी, चलते हैं। ओ भाई इधर तो लैंडस्लाइड हो गया यार, रास्ता बंद है क्या आगे? हाँ जी रास्ता बंद है आगे? नहीं नहीं चालू है, जाओ जाओ। अच्छा और ले जाओ आप। तो भाई अभी पहुंच गए हैं हम डलहौजी, अब लड़ाई हो रही है हमारी होटल की। होटल ढूंढ रहे हैं भाई, कोई ढंग का मिल जाए, कोई तो होटल ही नहीं मिल रहा यार। तो भाई हम पहुंच गए डलहौजी, पर यार मैं एक बात बताता हूँ, मैंने वीडियो एंड करनी भूल गया था। ए भाई मेरा तौलिया मत खींच रहे, मत खींच रहे, क्या कर रहा भैया भाई ना। ये देखो भाई अश्लीलता में उतरा है लोंडा, खींच खुच रहा है तौलिया। तो भाई वीडियो एंड करनी भूल गए थे, मैं घुस गया था बाथरूम में, तो मेरे को याद आया यार वीडियो एंड नहीं करी भाई तूने, तो बस यूट्यूब की याद है मेरे को वापसी बाहर खींच ली। तो भाई पहुंच गए हम डलहौजी, आज की राइड तो भाई एक्सट्रीम, आज वाली और कल वाली जिंदगी में नहीं भूलेगी। आज वाली वैसे एक बात बोलूं, ज्यादा टफ भाई, कानपुर कल तो अंधेरे में खींच दिया था हमने, पता ही नहीं लगा क्या आया क्या नहीं आया। असली तो आज अंधेरे में खिंचवा दिया ना, साफ वाला तो दिन में खींचा ना भाई हमने, जो सच पास से उतरे। लेकिन बॉस जो आज करा है ना, अब तो कोई ऑफ रोडिंग करा लो जहां मर्जी, अब ऑफ रोडिंग का बाप कर दिया। कल वाला तो भाई बिल्कुल एकदम सिरा था एंड। तो भाई वीडियो यही करते हैं एंड, वीडियो को लाइक करना, फिर इनको पानी से धो देना एंड सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलना, ऐसे ऐसे। तो भाई मिलते हैं, चंगा सत श्री अकाल। ओ ओ हेलो भाई, कुछ भूल गए थे भाई, दोनों को फॉलो जरूर कर लेना यार। हाँ भाई फॉलोअर कम हो रहे हैं, और आपको फोटो ऐसी देखने को मिलेगी ना इस बार, मजा आ जाएगा फोटो जबरदस्त। चलो फिर गुड बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर।